अच्छा जी, कुछ लोग सोचते हैं जी जो 40 से 50 लाख रुपया लगा कर बाहर जाना है, उन्हीं का क्यों ना पाकिस्तान में कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए। ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका ये क्वेश्चन था। आप देखें जो इस टाइम पाकिस्तान में बिजनेस की सिचुएशन है, अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस बाहर लेकर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो आप 40 से 50 लाख रुपया बाहर जाने के लिए लगा रहे हैं, अगर उन्हीं का पाकिस्तान में कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, आप अपना बिजनेस कामयाब कर सकते हैं? 50% चांस है कि आप अपना पैसा डुबो दें, ज़ाय कर दें, क्योंकि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अभी और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपका 100% जो है ना बिजनेस ग्रो करे। और यही पैसा अगर आप बाहर जाने के लिए लगाएं तो वहाँ आपको काम भी अच्छा मिल जाएगा, और दूसरा थोड़े ही टाइम में आपको पीआर भी वहाँ की मिल जाएगी। और अगर हम वहाँ की सैलरी की बात करें, तकरीबन 3,000 यूरो तक आपकी सैलरी होती है, जो कि आप 6 से 8 मंथ के अंदर अपने पैसे सारे पूरे कर लेते हैं, और 3 साल में आपको पीआर भी मिल जाती है वहाँ पे। तो आपको इसके साथ साथ और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अगर आप यही पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट करें। बिज़नेस अगर कोई अच्छा ग्रो होता है, 3 से 4 साल उसे लग जाते हैं अच्छा ग्रो होने में, और वहाँ पे तो आपको जाते ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। 6 से 8 मंथ में आपका खर्चा पूरा हो जाएगा, उसके बाद 3 साल बाद आपको पीआर मिल जाएगी। इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? और बाकी आप डिफरेंस खुद चेक कर लें, जो पाकिस्तान में जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है उनसे आप पूछें इस टाइम बिज़नेस की क्या सूरत हाल है, और जो लोग बाहर गए हैं और उनसे आप पूछें बाहर की क्या सूरत हाल है। बाकी आप बेहतर जानते हैं कि उनका क्या जवाब होगा। और बाकी अगर आपका भी इरादा है बाहर जाने का, तो माई कैरियर क्लब आपके लिए ऐसे मौके फ्राहम कर रहा है जिससे आप बाहर जाके अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं।